क्या नीतीश और तेजस्वी यादव में फूट पड़ी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया था। दरबार में सीएम ने लगभग 72 मामले सुने। उन मामलों में सबसे ज्यादा मामले अवैध कब्जा और कानूनी व्यवस्था को लेकर था। नीतीश कुमार ने जब इन मामलों को सुना और इनकी संख्या को देखा तो नीतीश भी चौंक गए और पुलिस निष्क्रियता पर नाराजगी जताई। अब कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है और होम मिनिस्ट्री तेजस्वी यादव के पास है। ऐसे में प्रशासन पे टिप्पणी करना कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर पे भी टिप्पणी करना है, यानी तेजस्वी यादव पे भी बोलना है। लेकिन आपको बता दें, ये सिर्फ मीडिया में चल रही खबरें ही हैं, लेकिन अगर ये खबरें सच होती हैं तो बिहार में कुछ होने वाला है और बहुत ही जल्द होने वाला है। हालांकि आपको बता दें, जब जनता दरबार लगा था तब कई ऐसे मामले आए जो हैरान करने वाले थे। नालंदा से एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक ही जमीन की 5 जमाबंदी कर दी गई। वहीं सीएम नीतीश ने जमीन पर अवैध कब्जे के बढ़ते मामलों और पुलिस निष्क्रियता पर नाराजगी भी जताई और कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। नालंदा के बाद भागलपुर से आए एक फरियादी ने कहा कि जब उसने जमीन खरीद ली तो बताया गया कि जमीन उसकी नहीं है। वहीं एक सुपौल की फरियादी की फर्जी लोगों ने उसकी जमीन की रजिस्ट्री करा ली। इन सभी मामलों में मुख्यमंत्री ने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। साइबर फ्रॉड और पुलिस विभाग की लापरवाही से जुड़े भी कई शिकायत लोगों ने मुख्यमंत्री के पास पहुंचाए। गोपालगंज में ऑर्केस्ट्रा का विरोध करने पर एक शख्स की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 3 साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध कब्जे और बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश ने बहुत ज्यादा नाराजगी जताई। नीतीश ने पुलिस निष्क्रियता पर भी बात कही और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा क्यों हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.